जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मैट स्लाइड है, इसे वाटर कोस्टर भी बोला जाता है। ये एक मैट पे आपको टूवर्ड या बैक बैठना पड़ता है और फिर बाद में ये राइड का आपको एंजॉयमेंट लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा, आज हम आए हैं विरार में और आपको कुछ नया एक्सप्लोर करवाएंगे। आज हम आए हैं डी अटलांटिक वाटर पार्क में जो विरार में है। तो गाइस वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना। फाइनली अंदर आ गए हैं और अभी हम हमारे गाइड जो मुस्तफा भाई है सोपारा गांव के, हम उनसे मिल लेते हैं, वो आपको एक्सप्लोर भी करवाएंगे और आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे। और आपको अगर टिकट की जरूरत है तो मुस्तफा भाई है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे है, तो आपको टिकट भी इधर की वो करवा के देंगे। यहाँ पे लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट उनसे कॉन्टेक्ट करो और टिकट बुक करो। हम फाइनली मुस्तफा भाई से मिल लेते हैं और वो पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे हमको। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्तफा भाई हमारे व्यूअर्स को कुछ नया एक्सप्लोर करवाओ। ओके, तो भाई वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छे अच्छे सीन और अच्छे अच्छे स्लाइड आपको देखने को मिलेगी, आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, आ जाइए, मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाता हूँ रिजॉर्ट के बारे में वन बाय वन। आप इसमें टूब के साथ भी आ सकते हैं और विदाउट टूब भी आ सकते हैं आप लोग। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से बुली पैक होता है, ये ओपन स्लाइड नहीं होती है, तो आप सिंगल आ सकते हैं, डबल फ्लोर डबल लुक को दो लोग रहे तो डबल फ्लोर भी आ सकते हैं आप लोग। ये ग्रीन वाली जो स्लाइड है ये 85 डिग्री है और उसके नेक्स्ट बाजू में है जो स्लाइड है वो है येलो कलर की, वो है 90 डिग्री। ये आपको थर्ड फ्लोर से मिलेंगी ये स्लाइड और एकदम स्ट्रेट है 90 डिग्री एंगल में। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का एरिया जो है बहुत वाइड है और बहुत अक्रॉस है, जैसे कि आपको डाइव करने के लिए, आपको स्विमिंग करने के लिए बहुत आपको एंजॉय मिलेगा। मेरे पीछे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये प्लेन स्विमिंग पूल है, इसमें कोई स्लाइड वगैरह नहीं उतर सकती है और आप लोग इसमें डाइव मार सकते हो, जंप कर सकते हो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ। और यहाँ पे दो गाइड लोग भी बैठे हैं, जैसे कि कोई बच्चा एंटर ना कर सके, छोटा बच्चे लोग को अलाउड नहीं है स्लाइड स्विमिंग पूल में, तो सेफ्टी का खास करके ख्याल रखा गया है और इन लोग एंटर ही करने नहीं देते। करो आप लोग अगर बच्चे लोग के लिए प्लान कर रहे हो कि बच्चे लोग के लिए रिजॉर्ट में कुछ है या नहीं है, तो इसलिए आप लोग ये रिजॉर्ट में तो कंफर्म है बच्चे लोग के लिए, पूरा एक स्विमिंग पूल बच्चे लोग के लिए ही बनाया गया है, इसका मिनी जंगल वर्ल्ड है, बच्चे लोग के लिए है ये। तो बहुत सारे रिजॉर्ट में ऐसा होता है सिर्फ एडल्ट लोग के लिए होता है, लेकिन बच्चे यहाँ पे ये एक ही स्विमिंग पूल में अपना पूरा दिन बिता सकते हैं। और नेक्स्ट भी आपको मैं बताऊंगा, आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है, वहाँ पर बच्चे अपना दिन बिता सकते हो। जैसे कि बच्चे 3 से 8 साल के बच्चे, 5 से 6 साल के बच्चे, उनको पानी में खेलने का बहुत शौक है, पर उनके लिए जो स्विमिंग पूल होते हैं वो ज़्यादा थिक डीप होते हैं, तो वो लोग एंजॉय नहीं कर पाते और पेरेंट्स भी उन्हें वहाँ जाने नहीं देते और कोई भी जाने नहीं देगा। लेकिन ये जो है ये 1.5 फुट पानी से स्टार्ट होता है, 2 फुट पानी है इसका, इसका एंड है पानी का 2.3 इंच, मतलब 2 फुट में स्विमिंग पूल खत्म हो जाता है। सबसे मेन अट्रैक्शन है स्लाइड है, ये डी अटलांटिक रिजॉर्ट का, एक्वा पार्क रिजॉर्ट का पंडू फनल ये राइड का नाम है। आप एक पैक स्लाइड में से अंदर से आते हो, एकदम फुल पैक होता है ऊपर से, वो अंधेरा होता है, ट्यूब में बैठ के आते हो, फिर बाद में आपको 90 डिग्री की तरह स्ट्रेट आपको आना पड़ता है, फिर बाद में आप स्विंग होते होते आपकी स्लाइड की जो स्पीड है वो स्लो होती है, फिर बाद में आप ये स्लाइड को एंड करते हो। बहुत जबरदस्त स्लाइड है ये, इसमें मैंने बहुत बार बैठा हूँ इसमें और बहुत एंजॉय होता है स्लाइड में। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो लोग कैसा एंजॉय कर रहे हैं ये स्लाइड को लेके, बहुत ही मस्ट विजिट स्लाइड है ये डी अटलांटिस एक्वा पार्क की। ये ट्यूब स्लाइड है, पेंडुलम स्विंग, ये राइड का नाम है पेंडुलम स्विंग, ये पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग जा रहे हैं और ये ऊपर तक ये जाएंगे पेंडुलम की तरह, फिर बाद में एक ब्रिज जैसा आएगा, फिर उसको क्रॉस करके
इनका वजन शायद पूरा नहीं था तो इन लोग वहीं बोल रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आके पहले खेले भी है, ओपन गार्डन जैसा बनाया गया है। और उसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो तो वहाँ पे बच्चों लोग के लिए झूले भी है, बड़ों के लिए भी झूले हैं वहाँ पे, उसी आपको वीडियो में भी बताया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे वेव पूल का काम काज चालू है, जो कि मुस्तफा भाई ने बताया अभी हमको। मुस्तफा भाई कितने दिन लगेगा उसको रेडी होने में? ज़्यादा से ज़्यादा ये 10-15 दिन में रेडी हो जाएगा। 80% तक के वर्क हो चुका है, जैसे कि आप जूम करके देख सकते हो। हमारे व्यूवर्स को जूम करके दिखाइए अहमद भाई, जो मेन वो चार ब्लॉक आप देख सकते हो वो बन गया है, और वहीं पे वेव पूल की जो मशीन आती है वहीं पे फिट होती है, और मेन जो फ्रंट में जो वॉल लगी हुई है वो वेव पूल की वॉल है। तो आप देख सकते हो अच्छा बड़ा एरिया है वेव पूल का, और विरार वेस्ट के रिजॉर्ट में वेव पूल की डिमांड बहुत है। जहाँ जिस रिजॉर्ट में वेव पूल है उस रिजॉर्ट की डिमांड कुछ अलग ही होती है। और ये रिजॉर्ट, ये जैसे कि आज 15 मार्च है, ये वेव पूल आपको 31 मार्च फाइनल टू फाइनल डी अटलांटिस एक्वा पार्क रिजॉर्ट का, जो नवापुर नाटी के नियर सिचुएटेड है विरार वेस्ट में। इसकी टिकट्स आपको 365 डेज मेरे पास से मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ कांटेक्ट करना है मुझे। और ये जो रिजॉर्ट का उसका मेन अट्रैक्शन का पेंडुलम स्विंग, पंडू फनल 90 डिग्री, 85 डिग्री, मैट स्लाइड जैसे कि आपने देखा, टूफ स्लाइड भी अवेलेबल है। बच्चों लोग के लिए जंगल वर्ल्ड है, मशरूम अम्ब्रेला है, आर्टिफिशियल वाटरफॉल भी है। और ये रिजॉर्ट की एक खास बात ये है कि आप फैमिली के साथ यहाँ पे कंप्लीट एंजॉय कर सकते हो, एंजॉय और रिलैक्स कर सकते हो। आपको एक अलग से सुकून मिलेगा ये रिजॉर्ट में। ओपन स्पेस गार्डन भी है, बच्चों लोग के लिए झूला भी है, तो एक कंप्लीट रिजॉर्ट है। मीन्स अगर बच्चा 4 साल का हो या कोई बुजुर्ग 60 साल के हो, उनके लिए कंप्लीट रिजॉर्ट है, फैमिली पैक है। और यहाँ पे जो ज्यादा प्रीफर किया जाता है वो फैमिली को ही प्रीफर किया जाता है, यंगस्टर लोग यहाँ पे कम ही आते हैं। और जैसे कि आप फंडू फनल राइड जो देखे आपने, वो जो येलो कलर की है मेरे एग्जैक्ट पीछे, उसमें वो सिर्फ और सिर्फ विरार वेस्ट में सिर्फ यहाँ ये रिजॉर्ट में अवेलेबल है, ये कोई और रिजॉर्ट में अवेलेबल नहीं है। आपको इमेजिका और ग्रेट एस्केप में अवेलेबल मिलेंगी, तो विरार वेस्ट में कभी नहीं है। और अगर ये स्लाइड का और पेंडुलम स्विंग का आपको एक्सपीरियंस जरूर लेना है, और अब मैं तो कहता हूँ आप जरूर जरूर लीजिए, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस मैंने पिछले साल लिया था, और भी बीच में भी मैंने आके लिया एक्सपीरियंस यहाँ का, बहुत जबरदस्त स्लाइड है। तो इसका एक्सपीरियंस आप जरूर लीजिए, और अहमद भाई से मेरा नंबर ले लीजिए। मैं फिर से एक बार आपका नंबर दोहराता हूँ, 8080838364। मेरा नाम मुस्तफा है, मैं सुपारा गांव में ही रहता हूँ, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और अहमद भाई इसमें ये यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर ऐड कर दो। तो गाइज मुस्तफा भाई का कांटेक्ट नंबर हमारी स्क्रीन पे है, और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसी लगी वो भी बताएं कमेंट में, कमेंट ज़रूर करें और शेयर और लाइक ज़रूर करें वीडियो को। थैंक यू।